उनका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। मैडम काफ़ी देर बाद अभी यहाँ पे आई और आकर के उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे इंतजार क्यों कर रहे हो, हमने थोड़ी कहा था आप तीन तीन बच्चों को लेकर के यहाँ पे आना। तो जो मैडम का कहने का जो रवैया था ना, एक हम तो चलो समझ सकते हैं कि उनको बोल भी सकते हैं हम, लेकिन जो गाँव से लोग बाग आए हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं है, वो इस तरह की डांट डपट से डर जाते हैं और इस तरह का विरोध नहीं कर पाते हैं। मुख्य डाकघर में आधार सेवा केंद्र पर प्रभारी के घंटों गायब रहने से लोग हो रहे हैं परेशान। दूर दराज से बच्चों के आधार कार्ड बनवाने आए लोगों को मैडम के लंच पर जाने से 3 घंटे करना पड़ा इंतजार। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा बैंकों के साथ साथ डाकघर में भी आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे। वजह है आधार सेवा केंद्र पर बैठने वाले कार्मिक संजीदा नहीं हैं। बुधवार को मुख्य डाकघर में बनाए गए आधार सेवा केंद्र की प्रभारी सोनू भाटी 3 घंटे के लिए लंच पर चली गई। ऐसे में भरी गर्मी में दोपहर में दूर दराज से अपने बच्चों को लेकर आधार कार्ड बनवाने पहुंचे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। इस पर मीडिया जब जानकारी लेने पहुंची तो मैडम सोनू भाटी का कोई पता नहीं चला। अपने कक्ष में सीट से नजारत सोनू भाटी लंच करने गई हुई थी। वहीं मैडम सोनू भाटी द्वारा बच्चों का आधार कार्ड बनवाने आए लोगों से अभद्रता का भी मामला सामने आया है। हाँ जी, बताइए किस तरह के यहाँ पर आए हुए, क्या परेशानी हो रही है? काफ़ी देर से मैडम लंच के नाम से यहाँ पे गई हुई हैं, उनका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। मैडम काफ़ी देर बाद अभी यहाँ पे आई और आकर के उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे इंतजार क्यों कर रहे हो, हमने थोड़ी कहा था आप तीन तीन बच्चों को लेकर के यहाँ पे आना। तो जो मैडम का कहने का जो रवैया था ना, एक हम तो चलो समझ सकते हैं कि उनको बोल भी सकते हैं हम, लेकिन जो गाँव से लोग बाग आए हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं है, वो इस तरह की डांट डपट से डर जाते हैं और इस तरह का विरोध नहीं कर पाते हैं। ये बहुत गलत बात है कि इतनी भरी दोपहर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, लोग दूर दूर से आकर के एक छोटी चीज़ आधार कार्ड जो कि आवश्यक चीज़ है उसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है। भाई साहब कब से आए हो आप और क्या बनवाने आए हो? मैं सर बच्चों को सिर्फ आधार कार्ड बनाना आया हूँ। सुबह या फॉर्म बाहर से लेकर आया, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:30। अभी तक कोई आया नहीं है? मैडम 2 बजे उठ के गई थी, अभी वापस आई है, वापस बाहर लेकर लगी। किसने डांट रही थी मैडम आपको? मैडम तो बोल रही थी कि 3 घंटा ड्यूटी और जगह भी होती है, और अभी वापस 3 दिन बाद यहाँ टाइम है। किस तरह परेशान हो रहे बच्चे आपके? आप तो सामने देख लो, परेशान हो ही रहे बच्चे। कितने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने हैं? 3 बच्चों सो गए सब। ऐसे में डिप्टी पोस्ट मास्टर रमेश पेलवानी से जब मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने उनका बचाव करते हुए कहा कि मैडम सोनू भाटी को एक अन्य जिम्मेदारी दी गई है, शायद वह उसमें व्यस्त हों। अभद्रता के मामले पर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में उन्हें समझाएंगे कि उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें। अभी 3:30 बजे तक मौजूद नहीं थी, और कितने बजे से कितने बजे तक का लंच का टाइम है? ऐसा है कि आधार कार्ड के लिए हम सुबह को 10 बजे वजह नंबर दे देते हैं, और नंबर देने के बाद में जिनको भी नंबर दिया हुआ था उन सबके बनाते हैं, उनको मैडम के पास में एक एडिशनल चार्ज भी हमने दे रखा है, पोस्टमैन के जो है ना वो आर्टिकल भी अंदर चढ़ाती हैं, और इस कारण से वो जो है ना दिन में जो है ना वो जो है ना अंदर भी जो है ना वो जो है ना काम करती है। जो भी डेली जिसको को भी नंबर दिया जाता है उनका उसी दिन ही जो है ना वो जो है ना बनाया जाता है आधार कार्ड। वो सब ठीक है सर, पर जो है व्यवहार की बात है, आम जनों को डांटने का अधिकार मैं जो है ना वो जो है ना उनके लिए उनके लिए मैं जो है ना उनके लिए इंस्ट्रक्शन दे दूंगा मैडम को कि भाई इस तरह का वो जो व्यवहार नहीं रखे इसके लिए। देखो नंबर तो हम वो जो है ना 10 बजे से देते हैं जो वो जो है ना 10 बजे से ऐसे पहले आती है पब्लिक, तो उसके लिए तो हम भी खैर जिम्मेदार नहीं है। जो वो तो खैर वो तो भीड़ अधिकतर वो क्या होता है कि वो भीड़ जो है ना छुट्टी के नेक्स्ट डे वो जो है ना ज़्यादा रहती है जो वो जो है ना उस कारण से हो सकती है बाकी तो वो जो है ना। और वो जो है ना मैं आपको मीडिया को भी यही कहूँगा कि आप ये कलेक्टर साहब से ये कहें कि दूसरे भी जो है ना वो जो ना सेंटर हैं आधार कार्ड के, उनको भी एक्टिव कराएं, वहाँ पे क्यों नहीं वो बनते हैं। जो केवल एक पोस्ट ऑफिस ही नहीं है अजमेर शहर में, सारे बैंकों को भी ऑथराइज कर रखा है, बैंकों पर भी जो है ना वो जो ना बनाएं, ताकि वो जो है जनता को जो है ना पूरी सुविधा हो। आप ये कह रहे हैं कि वो गाँव से आए हैं, सोमलपुर से आए हैं,
तो सोमलपुर के आसपास में भी बैंकें हैं, उनको को भी वो जो ना ऑथोराइज कर रखा है आधार कार्ड बनाने के लिए। तो आप ये वाला प्रकरण आप वहाँ पर भी उठाइए कलेक्टर साहब से भी कि भाई वो जो है ना कलेक्टर साहब उनको भी इंस्ट्रक्शन दे कि बैंक वगैरह में भी वहाँ पर भी बने जो नियर बाय जो भी है ताकि कस्टमर को दूर दूर वो जो ना आना नहीं पड़े। ठीक, कौन है बनाने वाली? मैडम का नाम है सोनू भाटी। अच्छा।